बस मिल गई ना हमको, बस मिल गई, कहाँ जाओगे आनंद? हम लोगों के अच्छे से हो गए थे, अब मंदिर के थोड़ा चारों तरफ हम लोग जाके आते हैं। हम लोगों का हाथ मुँह धोने के बाद कुछ ऐसा हाल है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रूपा सुयाल व्लॉग्स में। दोस्तों आज मैं गई हुई हूँ हल्द्वानी और अभी हम लोग जा रहे हैं रामनगर मंदिर में, तो हनुमान धाम हम लोग जा रहे हैं। मेरी बहन और वेदू आगे को चले गए हैं और मैं भी चल रही हूँ, तो यहाँ से लेते हैं रूम से हम लोग अभी बाहर को निकल गए हैं, तो यहाँ से ऑटो लेंगे और बस स्टैंड में जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने जाना है, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम आज जा रही हूँ और ये भी नहीं गई हुई है वहाँ, तो इसका भी फर्स्ट टाइम है। देखते हैं हम लोग कैसे जाते हैं क्या जाते हैं, तो सब कुछ हम लोगों ने पूछा है। हाँ अभी जाएंगे बस स्टैंड में, जिस साइड वहाँ की बस मिलती है वहाँ जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे हम लोग कहाँ हैं क्या हैं करके। तो चलते हैं आगे को और मिलते हैं आप लोगों से आगे जाके। ये वेदू लगी है अपनी मौसी के साथ, बहुत खुशी है इसको यहाँ आके, मतलब इतना ज़्यादा उड़ रही है मैं क्या बताऊँ। ये देखो ये तो चलते हैं पहले बस स्टैंड में, आप लोगों को मिलते हैं वहीं जाके। तो हम पहुंच गए हैं बस स्टैंड पे, देखते हैं बस मिलती है नहीं मिलती है। इसको देखो ये अच्छा है, हल्की हल्की धूप है, मतलब गर्म तो हो रही है बट वो वाली धूप नहीं लग रखी है कि ज़्यादा धूप लगती तो हम लोग जाते कैसे। बस मिल गई ना हमको, बस मिल गई, आ जाओगे आप बस में? काला ढूंगी चौराहे में, ये सामने रहा काला ढूंगी चौराहा और वेदिका सुयाल सो गई है। क्या लिया तूने बता, क्या लिया? प्रसादी, दीदी से प्रसादी ले ली ना, सबके एक उसमें ही है ना ये। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं रामनगर हनुमान धाम मंदिर में और आप लोगों को मैं बता दूं, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के रामनगर में, रामनगर के ही थोड़ा नज़दीक में ये मंदिर पड़ता है हनुमान धाम। और ये मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से वो था कि मैं यहाँ आऊँ, क्योंकि मैं हर किसी को यहाँ जाते हुए देखती थी और मैं तो पहली बार आ रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस जगह में आके। और अभी भी दिन में के टाइम पर बहुत ज़्यादा धूप लगी हुई है, तो अंदर मंदिर में चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं अंदर मंदिर। तो ये रहा यहाँ मंदिर, ये रही मेरी बहन और ये रही वेदू, ये देखो। तो चलते हैं अंदर मंदिर में। अच्छा मेरा बेटा कितने प्यारी चल रहे हैं प्रसादी लेके।
तो दोस्तों हम लोग दर्शन करके आ गए हैं मंदिर के, और अभी मैं मंदिर के जस्ट बगल में ही हूँ और यहाँ पे हम लोगों ने अपना मन्नत का धागा बांध दिया है। और मंदिर के अंदर जाके एक अलग ही मतलब खुशी हुई मुझे, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। मैंने मंदिर के अंदर की तो वीडियो हम लोग बना नहीं सकते क्योंकि हर जगह मंदिर में पता ही है आप लोगों को अलाउड नहीं होता है वीडियो बनाना, तो बहुत अच्छा लगा अंदर जाके। और भगवान जी की वहाँ, हनुमान जी की वहाँ अलग अलग तरीके से हम लोगों को मूर्तियाँ दिखाई गई थी। कहीं पर उन्होंने सीना चीर के दिखाया गया था, जहाँ पर उन्होंने सीता माता और राम भगवान सीता माता उनके सीने में थे, और जब वो संजीवनी बूटी लेके आ रहे थे तो अलग अलग उनके रूप हमें दिखाए गए थे। और उस तो हनुमान धाम विश्व का एक ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी के 9 स्वरूप और 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ हमें देखने को मिलते हैं। तो वो हनुमान जी के 21 रूपों का हमें दर्शन करने को मिलता है यहाँ हनुमान धाम आके, और आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं। ये हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के रामनगर में ही स्थित है ये मंदिर, और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है ये हनुमान धाम, मतलब धामों में से एक है, सबसे बड़े धामों में से एक है ये हनुमान धाम। और यहाँ आके जो आप लोगों को मतलब, वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन अंदर मंदिर में जाके आप लोगों को जो खुशी होगी, जो हम लोगों को अच्छा लगा, जितना अच्छा मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करा और तो मंदिर में जाके मन खुश हो गया था। आप लोग भी ज़रूर आएँ एक बार। और तो दोस्तों मंदिर के दर्शन हम लोगों के अच्छे से हो गए थे, अब मंदिर के थोड़ा चारों तरफ हम लोग जाके आते हैं, देखते हैं कैसा है क्या है इधर साइड को, कैसा नज़ारा है। तो मेरी बहन और मेरी बेटी तो चले गए हैं उधर साइड को, मैं भी वहाँ को जाती हूँ। और मंदिर में यहीं पर मंदिर के बैक साइड काम चल रहा है, मंदिर का निर्माण और अच्छे से होगा। यहाँ पर वेदू अपनी मौसी की फ़ोटो ले रही है दुर्गा मंदिर में। वेदू के हाथ में अभी कैमरा दे रखा था मेरी बहन ने, वो फोटो लेने में लगी थी उसकी। हम आ गए हैं शिवालय की तरफ को, यहाँ पे है शिवालय और शिवालय के ही जस्ट बगल में इतने प्यारे प्यारे खेत लगे हुए हैं। जय जगन्नाथ हनुगु। हम पहुँच गए हैं शिवालय में। जय हो भगवान, हर हर महादेव। डुगु डुगु, हर हर महादेव। अब यहाँ करो बिट्टू जय जय, चलो अंदर मंदिर में। हाँ मंदिर का काम अभी चल ही रहा है, बैक साइड से पूरे यहाँ पे लग रखे हैं ये, और वहाँ पे तो काम चल रहा था, तो अभी मंदिर बहुत ही अच्छा बनेगा ये बोला जा रहा है। बहुत ही अच्छा धार्मिक स्थल इसको बनाया जाएगा। इस साइड भी ये टूट रहे हैं टाइल्स वगैरह, तो कभी फिर आऊँगी मैं, मैंने मन्नत का धागा बांधा है। तो वेदिका सुयाल तो मंदिर में आके ही ऐसे ऐसे तानियाँ करने में लगी है, इतनी ज़्यादा गर्म हो रखी हैं टाइलें, फिर भी इतना भागने में लगी है ये। वेदू तो मंदिर में हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह ली, और उसके बाद हम लोगों का हाथ मुँह धोने के बाद कुछ ऐसा हाल है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, हमने कोल्ड ड्रिंक भी ले ली है, मैडम ने ली है लस्सी छाछ सॉरी, और मैडम जी ने ली है फ्रूटी, मैंने ली है फेंटा। तो अब हम चलेंगे, पहले देखते हैं यहाँ पर से ना वो देख ऑटो लगा है यार, चल जल्दी स्पीड से चल वहाँ पर तक, तो ऑटो मिल जाता है ठीक है, और नहीं तो फिर हम लोगों को भैया ने पैदल रास्ता भी बताया था कि यहाँ से आप पैदल जा सकते हैं करके। मेरी बेटी को छोड़ आएंगे हाँ। जल्दी चल, तो फिर उसके बाद ऑटो मिल जाएगा, वहाँ से इजीली हम बस पकड़ सकते हैं। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर जाना है हम लोगों ने मेन रोड में, तो चलते हैं। कल्पना बात कर रही है हाँ ऑटो वालों से, कुछ क्या कह रहे, नहीं जा रहे? अच्छा अच्छा, आगे वाले में भी ज़्यादा ही हैं हाँ। हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी, और अब हम यहां खाते हैं गोलगप्पे और उसके बाद चलेंगे रूम पे।
तो रूम के ही बाहर से हैं इनके, यहाँ पे खा रहे हैं हम लोग। कर दिया। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं रूम पे और अभी हम लोगों ने गोलगप्पे खाए तो सीधे हम आ गए थे रूम की तरफ को। और आप लोग देख रहे होंगे मेरा फेस कितना ऑयली ऑयली सा हुआ है, क्योंकि मुझे एक तो वैसे ही मेरा फेस है ही ऐसा, और यहाँ आने के बाद थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ये पूरा नेक में भी पूरा ऑयल ऑयल हो गया है। तो मंदिर जाके तो हमें बहुत अच्छा लगा, गर्मियों के दिनों में थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ इस साइड को तो ज़्यादा ही हुआ पहाड़ के लोगों के लिए, क्योंकि पहाड़ के लोग सहन भी नहीं कर पाते इतनी गर्मी जैसे मैं नहीं सहन कर पाती हूँ। तो वहाँ मंदिर में जाने के बाद बहुत अच्छा लगा था, अंदर घुसने के बाद जहाँ कैमरा अलाउड नहीं था और बाहर से थोड़ा सा गर्म था क्योंकि टाइल्स वगैरह गर्म हो जाती है इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। वैसे बहुत अच्छा है, आप लोग भी ज़रूर हनुमान धाम जाना। और अभी भी मैं हनुमान मंदिर बोल रही हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर हनुमान धाम जाना और बहुत ही अच्छी जगह है। अब ऐसे ही मैं एक बार गर्जिया देवी मंदिर जाना चाहती हूँ, तो ऐसे ही कभी मैं मन बनाऊँगी और अचानक से मैं मंदिर में जाऊँगी। तो मेरी बहन बोली थी अभी, कह रही तेरे उससे मैंने भी देख लिया आज मंदिर, क्योंकि पहले गई होगी वो कभी चाची चाचा के साथ, लेकिन आज मेरे साथ गई है वो। तो हम दोनों पहली बार ऐसे इतनी दूर गए हैं बिना फैमिली वालों के साथ, मतलब हमेशा अपने परिवार वालों के साथ ही जाने वाले हुए। तो अब आज के लिए इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो उसे लाइक करना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैं मिलूंगी आप लोगों को कल के नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपने घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। टाटा बाय बाय।